करबो रायगढ़ जिला के खरसिया क्षेत्र के प्रसिद्ध और 115 बछर जुन्ना शिव मंदिर बरगढ़ शुरू ले ही अलौकिक घटना मन ला खुद मा समेटे हुए है। पाछू 20 दिन ले लगातार सिद्धेश्वर महादेव के धाम मा रोज राम भक्त जामवंत यानी भालू हा भगवान शिव के पूजा करे आते, फिर पुजारी द्वारा ओला प्रसाद घलो दिए जाते। प्रसाद ला खा के मंदिर के 3 चक्कर लगा के भालू हा वापस जंगल चल देते। ये बीच भालू हा पूजा करे आए श्रद्धालु मन ला कोनो प्रकार के तकलीफ नहीं पहुँचाए। ये अनोखा दृश्य ला देखे बर रोज श्रद्धालु मन संझा बेरा मंदिर मा जाते और ये अद्भुत दृश्य ला देख के एक संघरा भगवान शिव और राम भक्त के आशीर्वाद लेते। रायगढ़ जिला जो नर धार्मिक दृष्टि से या फिर कला के चाहे कला के दृष्टि हो या धार्मिक दृष्टि हो, खासकर धार्मिक दृष्टि से पूरा छत्तीसगढ़ में विख्यात है। चाहे हमन बात करें कोसम नारम बैठे बाबा जी के या फिर टाटा खड़ताल में खुद से निकले शिवलिंग के, या फिर हमन बात करें बरगढ़ में सबके मनोकामना पूर्ति करैया सिद्धेश्वर नाथ महादेव के। ये जो जितना भी जगह है हमारे रायगढ़ जिला में जितना भी मंदिर है वो सब खुद में अलौकिक और अविश्वसनीय दृश्य मन ला समेटे हुए है। और उसने ही आज एक अलौकिक घटना के बारे में हमन बात करबो खरसिया के बरगढ़ में विराजे सिद्धेश्वर नाथ महादेव के बारे में। ये जो मंदिर है यहाँ कई सारे घटना होते रहते और कई सारे अलौकिक घटना होते रहते। मंदिर है पूरा क्षेत्र में मनोकामना पूर्ण करे बर जाने जाते, लेकिन अभी ये जो मंदिर है बरगढ़ में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर यहाँ लगभग पाछू 15 से 20 दिन में लगातार रोज यहाँ जो है भालू हर आते है और भालू आके यहाँ जो है शंकर भगवान के प्रसाद ला ग्रहण कराते। ओकर बाद कोनो भी यहाँ पूजा करे आज श्रद्धालु मन ला या फिर दिखैया ग्रामीण मन ला कोई ला भी कुछ भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाते। चुपचाप मंदिर में आते भगवान के दर्शन कराते और प्रसाद खा के वापस जंगल में चल देते। भालू तो यहाँ कई बार देखे पर मिल गए रही से, लेकिन एक प्रकार से जो अभी जो घटना हो थे जो कि बागबारा के चंडी माता मंदिर जिसे यहाँ घटना होते, रोज भालू आते प्रसाद खाते ओकर बाद फिर चल देते, कोई ले चोट नहीं पहुँचाए। ये एक अलग ही घटना है, अलग ही अलौकिक घटना है। एक बारे में हमन अभी पूरा जानकारी जानबो यहाँ के पुजारी जी से और यहाँ के ग्रामीण मन से। भालू तो यहाँ बरसों से आते थे, बाकी क्या इतना दिन से अनुभव नहीं था कि ये लोग ये खाता है वो खाता है। बाकी क्या सोमवार के दिन रामायण हुआ तो उसमें का प्रसाद भी दे करके आजमाइश किए, उसके बाद में एक दूसरा दिन खीर भी बना करके दिए तो उसको भी खा लिए। तो अब वैसे डेली बना कर दे रहे हैं तो 5:30-4 बजे आ जाता है और खा करके खाता पीता है, उसके बाद में यही राग भर सो जाता है। यहाँ कई वर्षों से भालू आते हैं, जामवन जी यहाँ बंदर वगैरह सब रहते हैं जी जी, और आके विश्राम हुआ कर पूरा के अपन चले जाते हैं। यहाँ पुजारी द्वारा हम लोगों के श्रद्धालुओं द्वारा कुछ कुछ फल वगैरह खीर पूरी ये सब आते हैं अपन खाते, और किसी को किसी प्रकार की हानि अभी तक नहीं पहुँचाए हैं। रात के अपन घूम फिर रात में ठहरते हैं, 2 बजे 3 बजे रात को चले जाते हैं।